बात साल 1982 की है। अमिताभ बच्चन हिंदी सिनेमा में छाए हुए थे। उनकी एक के बाद एक फिल्म रिलीज होती और बॉक्स ऑफिस पर छा जाती। अमिताभ बच्चन के साथ प्रकाश मेहरा नमक हलाल फिल्म बना रहे थे। फिल्म में अमिताभ बच्चन को लेकर कई गाने थे, लेकिन एक ऐसा गाना था जिसको बनाते समय सभी मुश्किल में आ गए थे, लेकिन रिलीज के बाद ये गाना हिंदी गीत संगीत की दुनिया का सबसे यादगार गीत बन गया। नमक हलाल फिल्म का ये गाना पग घुंघरू बांध था। इस गाने में अमिताभ बच्चन थे और ये पूरा गाना उन्हीं पर फिल्माया जाना था। बप्पी लहरी ने एक बार बताया था कि प्रकाश मेहरा पग घुंघरू बांध के लिरिक्स लेकर उनके पास आए थे और वो चाहते थे कि इस गाने को फ्यूजन में तैयार किया जाए। दिलचस्प बात यह है कि उस समय घर में बप्पी लहरी की मम्मी भी थी। वे एक क्लासिकल सिंगर थी। फिर उसने इस गाने की शुरुआती लाइनों को क्लासिकल अंदाज में गाने के लिए कहा। उन्होंने इन लाइनों को गाया और फिर इसके बाद बप्पी दा ने इसमें डिस्को बीट डाल दी। इसे सुनकर प्रकाश मेहरा को मजा ही आ गया और वो जो चाहते थे वो उन्हें मिल गया। जब पग घुंघरू बांध गाने को किशोर कुमार के पास ले जाया गया तो उनके होश ही उड़ गए। एक तो 12 मिनट लंबा गाना, उसमें सरगम का इस्तेमाल, लेकिन किसी तरह किशोर कुमार ने इस गीत को गाने के लिए राजी हो गए। इस गाने को रिकॉर्ड करने में 4 दिन का समय लगा। फिर ये हिंदी म्यूजिक इतिहास का पहला गाना जिसमें डिस्को के साथ सरगम का भी इस्तेमाल किया गया। आखिर में पग घुंघरू बांध एक शानदार गीत बनकर उभरा और फिल्म की खासियत ही बन गया और ये पूरे देश में गूंजा।